मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची नित श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मोदी 2.0 में जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, और हर घर नल जो योजना है प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको वो चला रहे हैं उसमें अहम भूमिका इनकी है। जोधपुर से सांसद चुनकर आए हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत को अगर आप देखें तो राजस्थान के जो चुनाव थे तो संभावित मुख्यमंत्रियों के चेहरे में भी इनका नाम का जिक्र होता था, लेकिन राजस्थान में इस बार बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए सामने आया है। लेकिन इनको जोधपुर से लगातार अपना हैट्रिक इन्होंने बनाया है सांसद के तौर पर, इनको आज देवी फिर से मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। और सबसे दिलचस्प बात इनके पास ये बारे में ये है, दूसरी बार तो मंत्री बन ही रही हैं, कोडरमा से लगातार जीत रही हैं, कि झारखंड के कोडरमा में इस बार 15.85% महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया। तो 16% महिलाएं अगर ज्यादा वोट देती हैं पुरुषों के मुकाबले और जीत मिलती है अन्नपूर्णा देवी को, तो ये बड़ी बात है। ओबीसी चेहरा है वो बड़ा, और उनको लगातार मंत्री पद दिया जा रहा है। 4 बार बिहार झारखंड की विधायक रही, झारखंड सरकार में मंत्री रही, और अब दूसरी बार लगातार उन्हें मंत्री पद यहाँ मिल रहा है। एक बड़ा चेहरा, ओबीसी चेहरा वहां से मानी जाती है, और महिलाओं की जाहिर तौर पर बहुत बड़ी पसंद है। ओबीसी में यादव समाज से आती है। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अरुणाचल वेस्ट से जीत कर आए हैं, लगातार मंत्री बन रहे हैं, वो कानून मंत्री से लेकर कई और स्पोर्ट्स मंत्रालय में अच्छा खासा उनकी रुचि रही थी, तमाम खेल खिलाड़ियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, जिसकी वजह से खिलाड़ी आज भी उनको कांटेक्ट करते हैं। अरुणाचल वेस्ट से वो चुनाव जीते हैं और खूब सारे फिटनेस के वीडियोस ये भी डालते हैं, तो ये भी एक रॉकस्टार मंत्री आप कह सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल में। किरेन रिजिजू अरुणाचल का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ा चेहरा वहां के माने जाते हैं और लगातार उनको जगह मिल रही है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री को बतौर मंत्री उन पर भरोसा जो है वो कायम है और जो पूरा लुक ईस्ट वाली फिलॉसफी है पीएम की उसमें वो फिट है। आई हरदीप सिंह पुरी डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया दैट आई विल फेथफुली एंड कॉन्सियंशियसली डिस्चार्ज माई ड्यूटीज as a minister for the union and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor affection or ill will I Hardeep Singh Puri do swear in the name of god that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister ke rajya sabha sansad hain aur ek sikh chehra hai modi mantrimandal mein up se bjp ke rajya sabha sansad hain ye modi 1 modi 2 dono mein mantri reh chuke hain shahri vikas mantri rajya mantri tha swatantra prabhar filhal petroleum mantri bhi the 1974 के बैच के पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं और अच्छे वक्ता हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी रहे हैं, ब्राजील में राजदूत रह चुके हैं, तो विदेश जो फॉरेन सर्विसेज है उसमें एक अच्छी भूमिका उनकी रही और अब मांडवी से उन्हें मौका मिल रहा है।